गाइस कैसे हैं आप सब लोग, अच्छे और अच्छे बने रहना। तो जैसे कि आपको थंबनेल और वी रोल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, तो हम लोग उसी बारे में आज बात करेंगे। और वैसे थैंक यू यार लास्ट वीडियो को, मतलब मैंने काफ़ी टाइम के बाद डाली है वीडियो, बट फिर भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा मतलब लाइक्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिले, तो एकदम मोटिवेशन मिल जाती है। मेरे घर में आज कीर्तन भी है, बट मैंने कहा यार थोड़ा प्रॉमिस करा है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ, तो इससे जल्दी जल्दी आ गया वीडियो बनाने। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पिंक पॉल का मतलब हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और इसका मतलब जो डिफरेंसेस क्या है। ओके आइए, तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है, ठीक है, और ये कौन सी 4 पीस है या 2 पीस है, और इसकी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो 200 का है, और जो इसकी कंपनी है वो HS S1 की है, और यह है 4 पीस। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से कि रेड बॉल को मतलब रेड बॉल और इसमें डिफरेंसेस क्या है। देखो गाइस डिफरेंसेस की एक वीडियो बनाऊंगा, बट रेड बॉल एक मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और पिंक बॉल को आप रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते हो, रेगुलर क्या आप दिन में भी यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो इसका जो कलर होता है ये उसी इसे मतलब रात के लिए ही बना है, क्योंकि रेड बॉल को अगर रात में खेलोगे तो ना उसमें जो लाइट इफेक्ट पड़ता है तो वो काली ही नजर आएगी, ठीक है, पिच के साथ मैच कर जाएगी पिच के साथ। बट अगर इस पे बॉल पे अगर लाइट पड़ेगी पिंक कलर पे, जो शाइनिंग कलर होता है इस पे अगर बॉल लाइट भी पड़ेगी तो ये और अच्छे से दिखेगी बॉल, तो इसलिए ये सिर्फ रात में यूज़ होती है। तो गाइस बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि ये जो पिंक बॉल का यूज़ कब से हो रहा है, वो लोग सोच रहे थे कि अभी रिसेंटली 1 ईयर से हो रहा है, 1 ईयर से हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये 2015 मतलब 27 नवंबर, ठीक है, और 2015 से यूज़ हो रहा है। और इसका जो पहला मैच था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, और जो डे नाइट मतलब नाइट में टेस्ट मैच था। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे कि जो अदर बॉल में यूज़ होते हैं, क्या इसमें कुछ डिफरेंसेस होता है? नहीं, क्योंकि जो रेड बॉल में जो कॉर और जो वॉलन यूज़ होते हैं, कॉर मतलब जो अंदर होता है इसके छोटा सा, और वॉलन जो उसके बाहर जो ग्राफिक्स लगे होते हैं, ग्राफिक्स नहीं जो वुडन टाइप का होता है वो, तो वो सेम होता है इसके, बस का जो बाहर की जो जो उसका कलर है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि रात में विजिबल हो पाए, क्योंकि रेड बॉल तो दिखने से रही रात में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है, तो पिंक बॉल जिस पे लाइट पड़ती है तो ये येलोइश सा दिखता है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा विजिबल होता है रात के टाइम। तो गाइज अब बात कर लेते हैं स्विंग की, जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि स्विंग कैसा होता है इसमें। देखिए गाइज अभी तक जितना भी खेला गया है, ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में, तो उन सब में बेसिकली यही दिखाया कि रेड बॉल की तरह ही स्विंग होती है, अच्छे से हर बॉल की तरह स्विंग होती है, क्योंकि नई बॉल होती है, शाइनिंग होती है, तो अच्छे खासी स्विंग मिलती है इससे भी, ठीक है, बट ये है कि इसका जो लाइफ है वो थोड़ा कम होता है, बाकी स्विंग वगैरह इसमें नॉर्मल वैसे ही मिलेगा आप लोगों को। ये थोड़ा मतलब पता नहीं क्यों कि थोड़ा हार्ड लग रहा है, शायद मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा, मेरे माइंड सेट में वैसा है नहीं है, क्योंकि मैंने पिंक बॉल पहले एक बार पकड़ी थी, उसके बाद हमें कभी मौका ही नहीं मिला खेलने का, रेड बॉल से क्यों मिलेगा खेलने का, बट अब शायद मैं इसे खेलूंगा तो ज़रूर, और दिन में थोड़ा सा खेल के देखूंगा और उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, बताना आप लोगों को कैसी लगी, और ये भी बताना कि आप लोगों को दिख भी रही है कि बॉल की नहीं दिख रही ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि दिन में ज़्यादा ये बॉल दिखने वाली है, क्योंकि धूप वगैरह इतनी होती है, और देखते हैं फिर भी खेल कर। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसका वेट का, जो कि ना मतलब रेड बॉल का जितना या फिर जितना कोई भी वाइट बॉल का जो 153 और 163 के ग्राम के बीच में ही होता है बॉलों का वेट, ठीक है, उससे ज़्यादा तो बहुत बेकार हो जाती है, वो लोकल बॉल बहुत ज़्यादा ही घटिया बॉल होती है उनको होता है वेट उतना, बट इसका वेट जब मैंने नापा है इसका 155 था ग्राम का, और अराउंड जो आइडियल बॉल का जो वेट होता है वो 153 और 163 के बीच में होता है। ओके तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा भारी है या फिर उनसे ज़्यादा हल्की है। तो गाइज इस वीडियो को अब एंड करते हैं यहीं पर, क्योंकि यार मुझे घर भी जाना है और पूजा है, तो नारियल फोड़ने का काम मेरा ही होता है, तो जाएंगे वहाँ पे, शायद कुछ पैसे मिल जाए जो तोड़ने के बाद मिलते हैं, बाकी हाँ इसे खेल के तो ज़रूर दिखाऊंगा मैं, तो इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों का नेट खत्म होगा, जब नेट खत्म होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए कम वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, तो जब खेलने के वाली जो वीडियो होगी वो इस वीडियो के आने के बाद उसमें दिखाऊंगा कि इसमें खेलने के बाद कैसा लग रहा है, बैट पे कैसा आ रहा है, बैट पे कैसे लग के जा रहा है, ठीक है, बॉल विजिबल है दिन में कि नहीं है, तो उस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और वो सब देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना और क्रिकेट ज़रूर खेलना। बाय।